जो बड़े बड़े चैनलों में आते क्यों मैदाने जंग में ना आए, जब हमने मौत का कफन बांध करके सरदार बेअंत सिंह चीफ मिनिस्टर पंजाब रहे, केपीएस गिल, हमने लड़ाई लड़ी, तो इनको लड़ाई लड़ने में क्या दिक्कत है कि हर चीज पुलिस फोर्सेस लड़ेगी। आओ, कहां हूं मैं, कौन सी जगह पे कश्मीर पे आऊं, भागना मत, गोली मेरी भी चलेगी साली, पूरी निशाने पे मारूंगा, पर मेरे साथ सरकारी सुरक्षा नहीं होगी। आओ, कायरता की बात करनी, ये बुजदली की बात करनी, इसको बहादुरी कहते, इसको शेरे कश्मीर कहते, इसको जुजारू कहते। एक बात मैं कश्मीर के अपने भाइयों को, बहनों को, मैं सबको कहना चाहता हूं, ये आज का भारत है, 21 का भारत है, ये इस भारत के अंदर अगर आप ये सोचोगे, और कई डिबेटों में आपने देखा होगा कि मैंने एक दिन पहले या दो दिन पहले ही शबनम लोन थी, वो डिबेट के अंदर कश्मीर में कई ऐसे लोग, सबको तो नहीं कहूंगा, जो हमेशा आतंकवादियों के लिए खड़े रहते हैं, जो कहते 370 धारा नहीं हटेगी, मैं तो 335 एक ही बात की थी। आज डिबेट होती है, भगवान ने क्या कृपा की कि हमें 370 धारा हट के एक नया इतिहास रचा, जो 70 साल की कैंसर की बीमारी थी, उसके बाद आज आपके पास आ रहा हूँ, इसी जगह पे प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। क्योंकि आज बहुत अच्छा एक मौका है हमारे लिए कि आपके सामने जो है, जिस तरह की कश्मीर में किलिंग्स हो रही हैं और जिस तरह से पुंछ उनका कत्ल किया है, हम इस चीज़ को कंडेम करते हैं। और मैं अपनी तरफ से ये ज़रूर कहना चाहूँगा, यहाँ पर कश्मीर जो मेजॉरिटी लोग हैं, जो हैं उनको कहीं से भी ढूंढ करके और सिक्योरिटी फोर्सेस के हवाले करना चाहिए। आज क्योंकि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस, सारी प्रेस आई हुई है, और मैं चाहूँगा, क्योंकि इनका हमेशा एक ही रहा है कि टेररिस्ट जो हैं कहीं भी हों उनके खिलाफ ये खड़े हैं, तो मैं सर मैं आपसे और आपसे भी मैं क्षमा मांगता हूँ, क्योंकि मौसम खराब होने के कारण प्लेन अमृतसर में लैंड किया आधा घंटा, तो मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। मेरा ख्याल है कि मैं जब 370 धारा हटने की चर्चा चली थी तो मैं आपके पास आया था यहाँ पे, और जब एयरपोर्ट गया था तो वहां जब टेलीविजन के अंदर देखा, अनिल जी भंडारी जी मेरे साथ थे, तो टीवी के अंदर डिबेट की पार्लियामेंट का सेशन के ऊपर अमित शाह जी अपनी स्पीच कर रहे थे 370 धारा के ऊपर, और उस स्पीच को देखते देखते पहली बार उनकी मैंने स्पीच सुनी। मुझे ये था कि मैं प्लेन मेरा छोड़ दूं, प्लेन कल पकड़ लूं, पर इनकी स्पीच को मैं सुन लूं, मैं इतना प्रभावित हुआ। और मुझे उस दिन आपको कहा था कि 370 धारा हटेगी और हटनी चाहिए, मेरा ख्याल 10 दिन या 15 दिन के बाद 370 धारा हटी, अमन शांति आया, पत्थरबाजी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के खून के बने तिरंगे झंडे का बार बार अपमान, जवानों के ऊपर गोलियां, जवानों की रोज शहादत, हिंदुस्तान में कोई गांव कोई ऐसा नहीं था जब जवानों के खून से लत पर बौटी तिरंगे झंडे के अंदर उसमें घर में पहुंचती थी, एकदम 370 धारा हटने के बाद एकदम हालात नॉर्मल हुए। और कई डिबेटों में आपने देखा होगा कि मैंने एक दिन पहले या दो दिन पहले ही शबनम लोन थी, वो डिबेट के अंदर कश्मीर में कई ऐसे लोग, सबको तो नहीं कहूंगा, जो हमेशा आतंकवादियों के लिए खड़े रहते हैं, जो कहते 370 धारा नहीं हटेगी, मैं तो 335 एक ही बात की थी। आज डिबेट होती है, भगवान ने क्या कृपा की कि हमें 370 धारा हट के एक नया इतिहास रचा, जो 70 साल की कैंसर की बीमारी थी, उसके बाद आज आपके पास आ रहा हूँ, इसी जगह पे प्रेस कॉन्फ्रेंस थी।
वो कैंसर की बीमारी को समाप्त कर दिया। अब ये सवाल होगा, आप सवाल पूछ भी सकते हैं, हक है, आजादी है, कि अब किलिंग क्यों शुरू हो गई और बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां, मेरा को बीजेपी से किसी पॉलिटिकल पार्टी से लेना देना नहीं, मेरे लिए प्रथम राष्ट्र है, चाहे पंजाब का आतंकवाद है, चाहे जम्मू कश्मीर का आतंकवाद है, चाहे छत्तीसगढ़ का नक्सलिज्म है, या झारखंड में है, मेरी आवाज सिर्फ टेररिज्म के खिलाफ होती है। हमने मौत का कफन बांध करके हजारों जवानों ने, हजारों हमारे दोस्तों ने, हजारों पॉलिटिकल पार्टियों के लोगों ने शहादत कुर्बानी दी, हमने वहां अमन शांति दिया। अब सवाल सबसे बड़ा ये कि अब किलिंग क्यों शुरू हो गई? किलिंग इसलिए शुरू हुई कि पाकिस्तान की आईएसआई, पाकिस्तान बुखला चुका है, कि इतने सालों से उनकी जो जद्दोजहद थी कि हिंदुस्तान को कश्मीर से अलग करना, पंजाब को हिंदुस्तान से अलग करना, पहले पंजाब में उनको मुंह की खानी पड़ी, AK-47 गोला बारूद, जगह जगह से कतलेआम, 36,000 बेगुनाहों का खून, कौन था जिम्मेदार? पाकिस्तान था, हथियार तो वहीं से आते थे, मेड इन पाक है या मेड इन चाइना। अब कश्मीर के अंदर इतनी पॉलिटिकल पार्टियों ने राज किया पर 370 धारा हटाने की किसी ने हिम्मत नहीं की। अगर हटाने की कोई चर्चा चलती यही होता था, पता नहीं आग लगेगी, हिंदुस्तान में कतलेआम होगा, राम जन्मभूमि का निर्माण होगा, जगह जगह दंगे होंगे। एक भी गोली 370 धारा हटने के बाद एक साल तक को गोली नहीं चली, हल्का फुल्का चलता रहा, जवानों की शहादत नहीं होनी चाहिए थी, हुई, वो भी तब हुई, 100 मारे फिर अपनी कुर्बानी दी। अब सबसे बड़ा इस बात को लेके पाकिस्तान बुखला चुका, अब उन्होंने क्यों ऐसे लोगों को टारगेट करना शुरू किया? सुरक्षा नहीं है उनके पास। एक डॉक्टर साहब थे, कितने सालों से लाल किला वहां चौक के अंदर, लाल चौक था शायद, वहां उनकी दुकान थी, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, जो दवाई कहीं नहीं मिलती थी जम्मू में भी उनके पास मिलती थी, प्लेन से स्पेशल आती थी, सुबह पहुंचाते थे, उनके अंदर मजहब धर्म नहीं था, एक ही मजहब धर्म था, मानवता की रक्षा करना, उन्होंने की, उनको नहीं छोड़ा। एक हमारी बहन प्रिंसिपल सिख समुदाय से, पर अपने खून पसीने की तनख्वाह से कश्मीरी बच्चियों को उनकी फीस भरती थी, 3 के 4, 15,000 रुपया जो मुझे उन्होंने बताया, मानवता थी, कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की लड़ाई का खेल नहीं था। पर एक सवाल का जवाब सबसे बड़ा उठता है, हमने भी तो पंजाब के अंदर लड़ाई लड़ी, खालिस्तान के खिलाफ लड़ाई लड़ी, कहते थे बिट्टा खालिस्तान के खिलाफ, मैं कहा हां, हमारी कौम का गदार है, बिल्कुल कहो, मानवता का, भारत माता का गदार नहीं हूं मैं, जो गुरु गोविंद सिंह महाराज ने, गुरु तेग बहादुर महाराज ने हिंद की चादर मानवता की रक्षा के लिए कुर्बानी दी थी, हम उस असूलों पर चले। तो वहां के कश्मीरी एक्टिविस्ट क्यों ना निकले बाहर, जो बड़े बड़े चैनलों में आते क्यों मैदान जंग में ना आए, जब हमने मौत का कफन बांध करके, सरदार बेअंत सिंह चीफ मिनिस्टर पंजाब रहे, KPS गिल, हमने लड़ाई लड़ी, तो इनको लड़ाई लड़ने में क्या दिक्कत है? कि हर चीज पुलिस फोर्सेस लड़ेगी, फौज लड़ेगी, BSF लड़ेगी, CRP लड़ेगी, ये लोग क्यों ना करें? ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा एक आसान टारगेट है कि किसी के पास सुरक्षा नहीं, गोली का निशाना बना दो। अरे आप में हिम्मत है ना, चैलेंज करते हैं, मैं चैलेंज करता हूं, पंजाब में चैलेंज करता था, लड़ना चाहते हो ना, मैं आता हूं, अपनी सरकारी सुरक्षा छोड़ के आता हूं, अपने लसंसी हथियारों के साथ आता हूं, आओ सीधी सामने फायरिंग करते, आ जाओ। ये बुजदल, ये कायरता, ये कौन सी बहादुरी है भाई? पाकिस्तान से हथियार लाओ और देखा एक इनोसेंट व्यक्ति दुकान पे खड़ा है, दुकान पे बैठा है, एक मेरी बहन बच्चों को शिक्षा दे रही है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों को शिक्षा दे रही, गोली मार दी, ये कौन सी बहादुरी है भाई? मैं चैलेंज करता हूं, मैं श्रीनगर भी जाके चैलेंज किया था आज से 10 दिन पहले, कि आओ, कहां हूं मैं,
कौन सी जगह पे कश्मीर पे आऊं, भागना मत, गोली मेरी भी चलेगी साली, पूरी निशाने पे मारूंगा, पर मेरे साथ सरकारी सुरक्षा नहीं होगी। आओ, कायरता की बात करनी, ये बुजदली की बात करनी, इसको बहादुरी कहते हैं, इसको शेरे कश्मीर कहते हैं, इसको जुजारू कहते हैं। एक बात मैं कश्मीर के अपने भाइयों को, बहनों को, मैं सबको कहना चाहता हूं, ये आज का भारत है, 21 का भारत है जी। इस भारत के अंदर अगर आप ये सोचोगे कि दबाव डाल करके 370 धारा के ऊपर चर्चा करेंगे, जो पॉलिटिकल पार्टी ये कहे, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, कि 370 धारा पे चर्चा होनी चाहिए, वो मुल्क का गद्दार है। वो उन शहीदों के साथ जिन्होंने मातृभूमि की, सीमाओं की, मानवता की रक्षा के लिए अपने जीवन को कुर्बान किया। 40 जवान पुलवामा में शहीद हुए थे, अगर 40 जवान की शहादत ना होती तो शायद 370 धारा ना हटती, शायद सर्जिकल ऑपरेशन ना होता। 40 जवान हमेशा याद रहेंगे जिन्होंने अपनी शहादत का जाम पी के एक नीर रख दी खून से कि 370 धारा हटेगी, हटी। ये गलतफहमी वो लोगों को जो पाकिस्तान का, जो आतंकवादियों का समर्थन करते हैं, मैं उनको कहूंगा हाथ जोड़ करके, अपने बच्चों के फ्यूचर को देखें, यह कश्मीर नए रास्ते पे जा रहा है। हमारा पंजाब आगे नहीं अभी बढ़ पाया, कश्मीर आगे बढ़ा है। अगर कहीं ना कहीं अभी कमी आ रही है कि जो इनोसेंट लोगों को गोलियों का निशाना बनाया जा रहा है। कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा था, हिंदुस्तान का हिस्सा है, हिंदुस्तान का हिस्सा रहेगा। 370 धारा की किसी सूरत में चर्चा हो ही नहीं सकती, मुझे यकीन है हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री और अमित शाह जी के ऊपर और अजीत डोवाल के ऊपर, कोई पॉलिटिक्स नहीं, कोई पॉलिटिकल बात नहीं। होम मिनिस्टर होंगे वो हिंदुस्तान के, प्राइम मिनिस्टर हिंदुस्तान के बीजेपी के होंगे, बीजेपी के लिए, मेरे लिए नहीं, हमारे लिए वो प्रधानमंत्री है जिन्होंने इतनी बड़ी जाबाजी से ये काम किया। और आने वाले वक्त के अंदर उन पॉलिटिकल पार्टियों को सवाल जरूर पूछे जाएंगे, आपने 370 धारा क्यों नहीं हटाई, शायद इतने जवानों की शहादत ना होती, शायद हिंदुस्तान के लोगों के टैक्स का, खून पसीने का पैसा बर्बाद ना होता, आपने क्यों नहीं हिम्मत की, आप लाशों पर राजनीति करते रहे। तो मैं आज स्पष्ट आपको कहना चाहूंगा, 370 धारा के ऊपर चर्चा हो ही नहीं सकती, हमें यकीन है हिंदुस्तान एक है, एक रहेगा। और फिर उन कश्मीर के जो टेररिस्टों की मदद करने वाले जो नेता, उनको कहना चाहूंगा, अपने आप को बदलिए। और ये जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं ना यहाँ की, गुप्त गैंग, कौन सा गैंग, जो इकट्ठे होकर रोज चर्चा करते हैं, निकलो ना मैदान जंग में, सरदार बेअंत सिंह की चीफ मिनिस्टर की तरह निकलो, हमारी तरह मौत का कफन बांध करके सड़कों पे, अमन शांति दिया था पंजाब में, 36,000 लोग शहीद हुए जनाब, हमने शरीर के आधे आधे हिस्से गवाए, अभी भी शरीर में हमारे जान है। हम भी आज होम मिनिस्टर होते, हम भी आज चीफ मिनिस्टर होते, हमने दूर कर दिया, हमें पता मौत से हमारी जारी है, आज नहीं तो कल जाना है, मानवता की रक्षा करना ही सबसे बड़ा कर्म है, क्यों नहीं निकलते बच्चे इनके फौरन में। और यहां पे इनोसेंट लोग और आतंकवादियों को मरवाते हैं जे, क्यों नहीं सड़कों पे निकलते, और जब बयान भी देते हैं चूहे की तरह बोलते हैं, कहीं एक समुदाय नाराज ना हो जाए। हम आज भी गरते, आप लोगों के सहयोग से, भारत माँ के सहयोग से आज भी गरते। अभी देखो क्या हुआ, सिंधु बॉर्डर पे कत्लेआम हुआ, काय को मार के टांगा जाता है ना, ऐसे टांगा उस आदमी को, कोई नहीं बोला, आपके पास वीडियो आई हो, डट के बोले, निंदा की, सिख कौम का नाम बदनाम किया, बताइए इनमें से कोई बोलता है, कोई नहीं बोलता। सुरक्षा इनको पूरी चाहिए, एनएसजी इनको चाहिए, सीआरपी इनको चाहिए, घरों में सुरक्षा चाहिए, और आम आदमी को चाहिए गोली। उस वक्त नहीं कहते कि हमारी सुरक्षा इनको दे दे, ना, हमारी सुरक्षा पूरी होनी चाहिए और आम इनोसेंट आदमी को चाहिए गोली, उनको गोली के लिए इन्होंने छोड़ दिया। ये मेरे विचार हैं। अब आप कोई सवाल पूछे, एक एक करके मैं जवाब देता हूं। बेटा जी, धारा 370 को ही है, सरकार भी वही है, पाकिस्तान भी वही है, लेकिन अचानक से यूटर्न हो गया। देखो जी, एक चीज, मैं हर चीज का सवाल जवाब दूंगा।
कोई दुकान पे बैठा है, कोई स्कूल में बैठा है, कोई पढ़ा रहा है, कोई मजदूरी कर रहा है, उसके पास तो सुरक्षा नहीं। मैं आया, मेरे पास तो सुरक्षा है, ठीक है ना। आप पत्रकार, आपको कई चीज़ों की नॉलेज होगी। वहाँ आके किसी को गोली मार दे क्या, इसमें पुलिस क्या करेगी या प्रशासन क्या करेगा, मेरा सवाल है। उन्होंने एक नई प्लानिंग बनाई है कि आसान टारगेट कैसे हो सकता है। अब फौज वालों को किया, अब देखो उन्होंने जरूर हमारे लोगों को मारा है, शहीद किया है, जवान शहीद हुए हमारे, कुत्ते की तरह मारते रोज इनको, पकड़ पकड़ के लाशें लाते हैं इनकी, ऐसी की तैसी इनकी, इनके जबड़े निकाल निकाल के इनको मारेंगे। आपने देखा कैसे घसीटा जा रहा है। अब ये अपनी वीडियो बना के लोगों को भावुक करें, पर अभी भी ऑपरेशन जारी है। ये नहीं हो सकता कि आप हमारे लोगों को शहीद करेंगे और पहली सरकारों की तरह हम ऐसे बैठ जाएंगे। कोई गल नहीं, दिल्ली तो पूछ दे, उनको दिल्ली से नहीं पूछना पड़ता, ये उनको पता चल चुका है। जिस दिन हम वार करेंगे, 5 शहीद करेंगे, हम उनके 50 ठोकेंगे, ठोक ठोक के मारेंगे, तड़पा तड़पा के, कुत्ते को जैसे मरे को घसीटते हैं ना, ऐसे घसीट के मारेंगे। रोज आप देख रहे हैं, ये देखो आसान टारगेट है। इसमें हम कहें गवर्नर साहब कमजोर है, इसमें कहें हम अमित शाह जी कमजोर है, इसमें कहें प्रधानमंत्री, नहीं, पॉलिटिकल पार्टियों को यह सोचना है। क्या प्रधानमंत्री जी की तरफ से, क्या अमित शाह जी की तरफ से, क्या होम मिनिस्ट्री की तरफ से, क्या दिल्ली के गवर्नर की तरफ से, क्या जम्मू कश्मीर की तरफ की पुलिस से, क्या CRP से, क्या कोई कमी आई है? आई है तो मुझे बता दीजिए, मैं उसका जवाब दे देता हूं। ये रास्ते में जाते हुए किसी की किलिंग करनी उसके अचानक है, पर उसका जवाब साथ साथ दिया जा रहा है। मुझे लगता है सरकार इसके ऊपर भी कुछ सोचती है। देखो एक बात है, उनको पता चल गया होगा, आपने बताया, मुझे नहीं पता कि कम की है। सरकार ये भी चाहती होगी, आपको देखा होगा महबूबा मुफ्ती और पॉलिटिकल पार्टियां, फारूक अब्दुल्ला जी, उनके साथ बातचीत हुई, मैं भी टीवी डिबेट में था, मेरे के कश्मीरी पंडित भाई थे, उन्होंने कहा ऐसा नहीं होना चाहिए था, मेरा विचार अलग था। पंजाब में भी लोग तत्तर आया, अकाली पार्टी, BJP सब ने अलग अलग सरकारें बनी। सवाल सबसे बड़ा ये कि लोकतंत्र जब आ गया, जब हालात नॉर्मल हो गए, तो सरकार की ये भी कोशिश रहती है कि हम ऐसा माहौल बनाएं कि किसी को ये ना लगे हम फोर्सेस के सहारे करें। तो पॉलिटिकल पार्टियां पंजाब की तरह आगे आए, उन्होंने मौका दिया, उन्होंने ये नहीं कहा हम तानाशाही करेंगे, उन्होंने सारी पॉलिटिकल पार्टियों से बात की। पर उन पॉलिटिकल पार्टियों ने भी तो हिम्मत नहीं की ना, हमारी तरह पंजाब की तरह निकलते, कांग्रेस की तरह निकलते, BJP की तरह निकलते, CPM CPI की तरह निकलते, मैदान जंग में निकलते। वो तो कहते हमें बस सत्ता कुर्सी चाहिए, उसी से थोड़ा काम गड़बड़ हुआ। ये बात देखो, मेरी बात 70 साल की कैंसर की बीमारी, 70 साल थोड़े नहीं होते, 70 साल की बीमारी को कैंसर से उखाड़ के फेंकना, 1.5-2 साल तो आपने नॉर्मल देखे, ये तो अभी 15-20 दिन 2 महीने में ये खेल हुआ, नॉर्मल तो हुआ। दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों ने क्या साथ दिया जी नरेंद्र मोदी जी का, मेरा आपसे सवाल है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, सर्जिकल ऑपरेशन हो, इन्होंने सवाल उठाए, उड़ी का हो सवाल उठाए, पुलवामा पे हो सवाल उठाए, 370 धारा हो सवाल उठाए, कश्मीर के और मुद्दों के ऊपर इन्होंने सवाल उठाए, साथ किस पॉलिटिकल पार्टी ने उन योद्धों का दिया, मेरा यह सवाल है। अब मैं जैसे उनको जवाब दिया, आपको भी मैं वही जवाब देना चाहता हूं। एक शुरुआत तो हुई, इंडस्ट्रियल जो कहें, अगर काम नहीं हुआ एकदम, देखो बेरोजगारी एकदम खत्म नहीं होती, पंजाब के अंदर देखो कितनी बेरोजगारी है, जो हमने मार खाई थी आतंकवाद के टाइम के ऊपर, हमारी पंजाब तबाह हो गया, आज बेरोजगारी, हमारे नौजवान फॉरेन में जा रहे हैं। ये तो कश्मीर उससे फिर कई गुना बेटर है कि यहाँ लोगों की आस बजी, जहाँ इंडस्ट्री लगाएं, यहाँ डेवलपमेंट लगाएं, यहाँ विकास हो। अब देखो कितनी सड़कें बनी वहां पे, जवान कैसे लड़ाई लड़ते थे, अब कितने उनके पुल, कई उनकी ऐसी चीजें बनी, कल को बात होती जवान बिल्कुल तैयार खड़े, पहले कभी ऐसी सड़कें थी, सड़कों का निर्माण हुआ था, हमारी सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए बहुत डेवलपमेंट हुई। पर ऐसी चीजें करने के लिए अभी 5-6 साल लग सकते हैं। सर, सिविलियन किलिंग किसकी अकाउंटेबिलिटी है जी? सिविलियन किलिंग जो हो रही है वो किसकी अकाउंटेबिलिटी है? देखो, हम सबको, पॉलिटिकल पार्टी, सोशल ऑर्गेनाइजेशन को सामने आना चाहिए। मैंने आपको पहले ही सवाल का जवाब दिया, एक अकेला आदमी सड़क पे खड़ा है,
उनके लिए टारगेट आसान है, गोली पकड़ो मार दो। क्या अगर कोई उनका पता चल जाता है कि इसने मारा क्या उसको छोड़ा जा रहा है? पहले तो बंद कर देते थे, फिर छोड़ देते थे, फिर नेता बन के गाड़ियों में सेरे डाल के आते थे। आज इनकी हालात का, कोई ईडी में पकड़ा जा रहा है, कोई किस में पकड़ा जा रहा है, कोशिश तो जारी है ना। अगर सरकार की कोशिश जारी नहीं है तो, अगर पुलिस की जम्मू कश्मीर की कोशिश जारी, फौज की नहीं है तो मुझे बताओ, मैं उसका जवाब देता हूँ। देखो मैं एक बात बताऊँ, हम राजनीतिक लोग हैं, ठीक है ना। मैं ये महसूस करता हूँ, पहली बात तो मैं इस पॉलिटिक्स में पढ़ना नहीं चाहता। विरोध सबको खुल के करना चाहिए था, किसी ने विरोध नहीं किया, अभी भी डर रहे हैं विरोध करने पे। सिर्फ भगवान की कृपा से जो सच था मैंने उसकी आवाज़ उठाई। कोई भी ऐसा काम हो, डेड बॉडी के ऊपर पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। जो भी सामने आए खुल के वहाँ पर खड़ा हो, यह होना चाहिए था। वो किलिंग जो है, उस किलिंग ने हमारी कौम पे बहुत बड़े सवाल उठा दिए। कभी औरंगजेब जुल्म किया करता था, गुरु महाराज गुरु गोबिंद सिंह जी के साहबजादों को नियों में चनवा दिया गया, गुरु तेग बहादुर हिंद की चादर को किस तरीके से जुल्म किए गए। जो कौम मानवता की रक्षा के लिए मानी जाती थी, आज उस कौम के ऊपर इन झूठे न्यंगों ने, झूठे एक बाबा बुढ़ा दल है, बड़े साफ सुथरे न्यंग साहब हैं, पुराना इतिहास है, महाराज रणजीत सिंह की फौज के वो जंग करते थे, काबुल कंधार तक राज था, इन्होंने हमारी कौम पे बड़ा दाग लगाया है। इसके लिए सारी पॉलिटिकल पार्टी हर धर्म को उनका विरोध कर रहा है। किसान आंदोलन, किसान जो एक्चुअल किसान है जो आंदोलन कर रहे हैं। पहली बात तो सुनो, अच्छा किसान अच्छा ही होता है, सबसे अगर बुरा इंसान है तो वो डकैत है। जो किसान आंदोलन पंजाब का था, जिनका राजनीति मकसद था ही नहीं, जिनका इलेक्शन सत्ता मकसद था ही नहीं, वो पंजाब के भोलो वाले आंदोलन, उनका जो किसान आंदोलन था हाईजैक करके ले गया, क्योंकि उसने यूपी में चुनाव लड़ना है। आंदोलनकारी है तो आंदोलनकारी रहो। टकैत ने आके सारे सिस्टम को खराब किया। तिरंगे झंडे का भी अगर अपमान हुआ है तो उसका जिम्मेदार टकैत है। अगर ये कत्लेआम हुआ है उसका जिम्मेदार टकैत है। पाकिस्तान से बात करो, भूखे नंगे चोर बदमाश से पाकिस्तान से बात करेंगे? जो इतने सालों से गोलियां चला रहा है उससे बात करेंगे? हम मुल्क के साथ गद्दारी करते हैं, हमने पंजाब के अंदर खालिस्तान को समाप्त किया कि हमने आतंकवादियों से बात की? हमारे जीते जी हम दावे से कहते हैं पाकिस्तान से कभी बात नहीं हो सकती। पाकिस्तान से बात होने की चर्चा चली थी जब नवाज शरीफ को मिलने नरेंद्र मोदी गए थे दुबई से, हमने विरोध किया था कि यह गलत है। चलो कोशिश यह हुई भी, उन्होंने कहा भी हिंदुस्तान को बदनाम दुनिया में किया जा रहा है, हम बैठ के बातचीत करते ना, मानवता का कत्लेआम उधर हो ना इधर हो, आम आदमी का नहीं कोई शहीद होना चाहिए ना। उन्होंने कोशिश की, क्या मुझे पता था क्या होगा, कुछ करेंगे। पठानकोट की घटना, दीनानगर की घटना, पाकिस्तान नहीं सुधरा, वो सुधर ही नहीं सकता। उसके बाद आज तक गोली चलाती, एक गोली चलती 100 चलाते, पाकिस्तान तो नहीं सुधर। ये पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है, ये आतंकवाद की फैक्ट्री है, एक ये और एक तालिबान। अब इमरान खान के पत्रकारों ने क्या कहा, प्रवक्ता ने, हम तालिबानियों के अफगानियों के कंधे पर रख के बंदूक चलाएंगे। वो कोशिश आपके सामने रिजल्ट है, वो शुरुआत हुई। अगर हमारी सीमा सुरक्षित ना होती, अगर हमारी डिफेंस पॉलिसी सुरक्षित ना होती, अगर 370 धारा ना हटी होती, तो आज कश्मीर की, हमारे देश की हालत क्या होती। और मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या पिछले 6 साल के अंदर, ये मत समझना मैं किसी की वकालत कर रहा हूँ, क्या 370 धारा हटने के बाद या उससे पहले क्या 26/11 जैसी घटना हुई, क्या पार्लियामेंट जैसी घटना हुई, क्या जयपुर के अंदर 120 लोग एक दिन के मारे शहीद हुए क्या हुआ, क्या ट्रेनों के अंदर जगह जगह पे बॉम्बे के अंदर ब्लास्ट हुए थे हुआ? नहीं, पूरे हिंदुस्तान में आतंकवाद पे कंट्रोल हुआ। अभी कसर कुछ है तो वो कश्मीर के अंदर है, उसका भी रिजल्ट आपके सामने है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, यहां मैं कह दिया ना, जवाब दे दिया, मैं क्या कहूँ उनके बारे में। जो पाकिस्तान से बात करने की बात करता है वो मुल्क के साथ धोखा करता है, मुल्क के साथ गद्दारी। बेटा जी एक सवाल आपसे, देखो मैं पहले भी इनको सारे सवालों का जवाब दिया, मैं आपको बताऊं, यहाँ डेवलपमेंट और विकास और बिजनेसमैन
व्यापार तेजी से शुरुआत हो रही है, तेजी से। वो पाकिस्तान बुखड़ा गया इस चीज को लेकर के, भाई अब जो डेवलपमेंट होगी, विकास होगी, हमारा तो मुद्दा ही खत्म हो गया। हमारे पास मुद्दा ही कश्मीर था, हम तो कश्मीर के मुद्दे के ऊपर पॉलिटिक्स करते थे। सब एक ही सवाल का जवाब है, यही है डेवलपमेंट, विकास, सड़कें और जवानों के लिए रास्ता तैयार। आओ चाइना से आओ, पाकिस्तान से आओ, सारों तैयार खड़े। आगे तो टूटे रास्ते से जाते थे, गाड़ियां रुक जाती थी, अब पूरा तैयार है। ये उसको देख के बड़ी तकलीफ हुई। लेकिन सर ये सिनेरियो जो बना है, जैसे करें, देखो मेरी बात सुनो, सवाल है कि हमें भी तो हौसला रखना पड़ेगा। पंजाब में भी ऐसे मजदूर गए थे, पंजाब में क्या था, ऐसे ही था, ट्रेनों से निकाल के सिख भाइयों को छोड़ दिया जाता था, हिंदू भाइयों को गोलियों का निशाना बना दिया जाता था, यही होता था। मजदूर उस वक्त भी बिहार और यूपी से वापस चले गए थे। तो दहशत का माहौल कोशिश करने की वो कोशिश कर रहे हैं,